हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेजेस आए हैं ऑडियंस की तरफ से तो मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए प्ले करूंगा तो इन आप उसका जवाब देंगे हमारे ऑडियंस के लिए तो पहला मैसेज प्ले कर रहा हूं आपके लिए असल वरम्ह बरकता हूँ मेरा नाम हुसैन शेख मैं अंधेरी से रहने वाला हूँ मेरा एक सवाल है आपसे क्या मरने के बाद लोग आत्मा के रूप में जैसे कि अलग अलग शक्ल में आते हैं क्या इनका सवाल है जो कि एक आम सवाल है बहुतों के जहन में ऐसा रहेगा कि मरने के बाद क्या आत्मा की शक्ल इख्तियार करता है काफ़ी फिल्मों में या फिर सीरियल्स में देखा गया है तो शायद उस चीज़ की वजह से इनके जहन में बैठ गया है तो आप इस पर क्या कहना कहें अभी भाई ने जो सवाल किया है दरअसल सोसाइटी में कुछ इस टाइप के खुराफात और गलत बातें पाई जाती है कि जो आदमी ख़ुदकुशी करके मर जाता है तो टाइम से पहले चूंकि उसकी मौत आ गई है नौधु बिल् ऐसी बात कोई नहीं है जो भी मौत आती है वो टाइम पर आती है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि हर एक का टाइम मुखर है उसी वक्त पर मौत आएगी आगे होगा ना पीछे होगा लेकिन लोगों में चूंकि ख्याल है कि खुदकुशी कर लेता है तो टाइम से पहले उसकी मौत आ गई तो उसके साथ उसकी जो रूह होती है वो भटकते रहती है तो क्या ये आत्मा का घरों को आना सताना और ये रूहें जो खुदकुशी करने वालों की जो रूहें घरों को आती हैं तो ये भाई का सवाल उस कॉन्टेक्स में है बड़ी आसानी के साथ हम इसको तोड़ दे सकते हैं इस खौफ को के सर मोमिन सूर् नंबर तेईस के आत्त नंबर सौ सोरा मोमिन सो नंबर ट्वेंटी थ्री आत्त नंबर हंड्रेड में अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं वम वराहम बरज़ुन अला योमी युब के मरने के बाद रूहें कहाँ चले जाती है उसका जवाब पुरानी मजिद में दिया जा रहा है कि मरने के बाद उनकी रूहें बरजख में चले जाती है इला अला यानी क़्यामत कायम होने तक इसका मतलब लगा कि दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं दुनियावी एतबार से दोबारा आने का कोई चांस नहीं यह वहम है जैसा कि मैंने कहा गलत मालूम की बुनियाद पर खौफ और वहम जो पैदा होता है ये वो कैटेगरी लिहाजा इससे बचना चाहिए हमको जजाकल्ला हमारे भाई को जवाब मिला होगा जिन्होंने सवाल भेजा तो जैसे कि आपने कहा कि इल्म अवेयरनेस इज़ द की उन्हें जवाब मिला होगा और एट द सेम टाइम उन लोगों को भी जवाब मिला होगा जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि ये एक आम सी बात है बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं